सदियों से चली आ रही लैंगिक भेदभाव आज भी हमारे समाज में मौजूद है। हम सब समान अधिकार की बात करते हैं, बिटिया वर्ष मनाते हैं, लेकिन कहाँ है ये समानता की बातें, कहाँ है ये बिटिया वर्ष? व्यवहारिक रूप से बराबरी की बातें नजर ही नहीं आती है। रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के उत्क्रमिक उच्च विद्यालय तापिन की छात्रा प्रियंका श्रीवास्तव भी लैंगिक भेदभाव की समस्या से जूझ रही हैं। प्रियंका की पढ़ाई लिखाई लड़की होने की वजह से सरकारी स्कूल में कराई जा रही है तथा उसके भाई की पढ़ाई लिखाई डेवी स्कूल में कराई जा रही है। हम लोग तीन भाई बहन हैं, दो बहन एक भाई। मेरे भाई डेवी स्कूल में पढ़ता है और हम लोग दो बहन सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे? कभी नहीं कहा। हमारे स्कूल में ज़्यादातर लड़कियां बच्चे पढ़ती हैं और हमारे क्लास में भी ज़्यादातर लड़कियां ही हैं। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाएंगे तो मैं फिर आगे डॉक्टर बनूंगी। मेरे विद्यालय में अधिकांशतः गरीब परिवार से जुड़े हुए लड़कियां हैं और गरीब परिवार के लड़कियों में परिवार में खास करके हम पाए हैं कि भेदभाव उनकी मानसिकता है कि लड़कियों की पढ़ाई पर कम से कम खर्च किया जाए और लड़कों की पढ़ाई पर अधिक से अधिक खर्च किया जाए। जो हम 35 वर्षों में अनुभव किए हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियों को विशेष सुविधा दी जाए तो लड़कियां लड़कों से हर क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, क्योंकि लड़कियाँ परिवार के लिए काफ़ी सुयोग्य बन सकती हैं और परिवार का शैक्षणिक या शैक्षिक स्तर में भी काफ़ी सुधार ला सकती हैं। जैसे लड़की लोग हैं ना, अपना पर घर चल जाता, शादी ब्याह होता चल जाता है, और लड़का लगा तो उसको शादी ब्याह करता है, घर में रहेगा ना, इसीलिए कोई कोई इससे के करता है, नहीं तो ना। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से लैंगिक भेदभाव का सामना कर रही लड़कियों की मानसिक पीड़ा को महसूस किया है। ना जाने कितनी मासूमों की तो दुनिया में आने से पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि बेटा और बेटी में किसी तरह का पक्षपात ना करें, बेटी को भी उतना ही अवसर दें जितना कि आप एक बेटे को देते हैं, क्योंकि आज ये नन्हे हाथ जो गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं कल एक परिवार के भविष्य को संवारती हैं। आज की ये बेटियाँ कल बड़ी होकर हमारे परिवार, हमारे राज्य और हमारे देश का सहारा बनेंगी। मैं बसंती सोरेन, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।